बहुत बार आपने ये सुना होगा कि किसी ने मेडिकेशन लिया है वेट बढ़ने के लिए कहीं से, और उसका वो जब तक मेडिसिन चालू है तब तक वेट बढ़ा हुआ है, और उसके बाद जैसे भी मेडिकेशन बंद किया वेट कम हो गया। तो ऐसा क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या साइंस है, और इसके पीछे अगर आपको एक बार साइंस समझ में आ गया तो किसी का भी वेट बढ़ाना और वेट कम करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज रखने हैं, क्या सप्लीमेंट्स है, क्या एक्सरसाइज है, ये सब इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपके टीम में शेयर भी करना। वेट बढ़ाना, वेट बढ़ाने के लिए दो बेसिक चीजें जो है वो हमें समझनी है। उसमें से पहला जो है नंबर ऑफ सेल्स, जो कि आप उसको पेशी बोलते हैं, ये पेशियों का नंबर है वो। और दूसरा जो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कैलोरी का, कितना कैलोरी आप खा लेते हैं। तो हम पहला डिस्कस कर लेते हैं कि पेशी के बारे में या सेल्स के बारे में। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ते होंगे कि सेल्स, अगर आपके बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन ले और उसको छोटा छोटा पार्टिकल्स में काटा जाए, छोटा छोटा पार्टिकल्स में काट के काट के काट के एक छोटा सा बारीक सा एकदम छोटा सा पार्ट्स जो बचेगा, जो कि आपके नॉर्मल नजर से, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देगा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। तो ऐसे छोटे से छोटे पार्ट को बोला जाता है सेल्स। सेल्स को ही बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में, सेल्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ऐसे बोला जाता है। तो ये क्यों है, क्योंकि सेल्स को अगर नंबर ऑफ सेल्स इकट्ठा हो जाएंगे तो टिश्यू हो जाता है, और ये टिश्यू इकट्ठा होने के बाद ही ऑर्गन हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि जैसे भी आपका वेट बढ़ना चाहिए तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने जरूरी है, ना कि वो सेल्स पर्टिकुलर टाइम के लिए फूकना चाहिए। तो ऐसा ही अक्सर बहुत सारे मेडिकेशन में हो जाता है, जो कि आप गलत तरीके से मेडिकेशन लेंगे वेट बढ़ने के लिए। ये सब मैं डिस्कस कर लूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल्स का नंबर बढ़ना इंपॉर्टेंट है, और जैसे भी वो बढ़े हुए सेल्स है, नंबर उसका जो बड़ा है, जैसे सेल्स का डिविजन बड़ा है, मल्टीप्लीकेशन बड़ा है, और वो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो नरिश होने जरूरी है। नरिश मतलब वो तंदुरुस्त होने जरूरी है, वो स्ट्रांग होने जरूरी है, तब जाके आपके मसल्स बिल्ड होंगे। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं कैलोरीज। दोस्तों जो आप खाना खाते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कैलोरीज मिल जाती है। आपने और एक पार्ट भी सुना होगा, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये उसको बोला जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट से हमें पता चलता है कि अपने बॉडी को एक दिन में कितना कैलोरी की जरूरत होती है। जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी रहती है उसके हिसाब से आपको एक कैलकुलेशन मिल जाता है। हाइट के और वेट के हिसाब से आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर का आपका जो नंबर ऑफ कैलोरीज है वो काउंट आपको मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, कभी भी आप देख लेना कि अगर किसी पेशेंट का 1200 कैलोरीज है, 1200 कैलोरीज उसका डेली का कंजम्पशन है, बीएमआर उसका 1200 आ गया है, तो उसमें अगर आप मान लीजिए हर दिन 500 500 कैलोरीज का एक्स्ट्रा खाना खाएंगे, 500 कैलोरीज का एक्स्ट्रा खाना जैसे भी जाएगा तो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीधा साधा सिंपल बेसिक साइंस है इसके पीछे। लेकिन जनरली एक चीज बोली जाती है, अगर आपने एक्स्ट्रा 7000 कैलोरीज कंज्यूम की तो उसके बाद आपका 1 किलो वजन बढ़ जाता है। तो अगर आपको 3 किलो भी बढ़ाना हो तो 21000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाने होंगे, जो कि आपके नॉर्मल कैलोरीज छोड़ के। ये बेसिक साइंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर मान लीजिए 7000 कैलोरीज मतलब 1 किलो अगर वजन बढ़ाना है तो 7000 कैलोरीज खाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका 1200 कैलोरीज नॉर्मल बीएमआर है तो उसके ऊपर अगर आपने डेली 500 भी कैलोरीज खा लिया या 700 कैलोरीज खा लिया, फिर भी आपको 10 दिन के बाद 1 किलो वजन बढ़ेगा। तो कि फूड का बल्किनेस अगर ज्यादा बढ़ गया तो पेट फूला फूला रहेगा, आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा कैलोरीज नहीं खा पाएंगे। तो हमें ऐसा देखना है, ऐसा फूड खाना है जिसमें कैलोरी ज्यादा हो और फूड का जो साइज है वो भी कम हो और इजीली डाइजेस्टेबल भी हो। तो ऐसा फूड हमें खाना है। अगर आपको 7000 कैलोरीज हो या 14000 कैलोरीज हो, आपका 1 किलो बढ़ाना है, 2 किलो बढ़ाना है, 3 किलो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूं अगर चाहे आप, आपकी हाइट कितनी भी हो, आप 5 से 7 किलो ही बढ़ाने का सोचिए हर एक महीना। ये नेचुरल रहेगा, ये नेचुरल। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि मैं एक महीने में 12 किलो बढ़ाऊं तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो
तो हमें क्या करना है कि 5 से 7 किलो ही बढ़ाना है। अगर आपने दिन में 1000 भी कैलोरीज खाया तो 7000 कैलोरीज एक्स्ट्रा, मतलब 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा जो कि आपके बीएमआर के कैलोरीज के ऊपर का रहेगा, जो कि एक्स्ट्रा रहेगा, विच आर कन्वर्टेड इनटू एक्स्ट्रा वेट। ठीक है, वो 1000 कैलोरीज अगर 10 दिन भी खाया तो आपका 1 से 1.25 किलो बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे सप्लीमेंट्स बताऊंगा जो आपको नेचुरल हो, सेफ हो, और छोटे से सप्लीमेंट में आपका वजन 1 किलो 2 किलो 3 किलो महीने का 5 से 7 किलो बढ़ेगा, और इसके साथ आपके मसल्स भी बिल्ड होंगे, इसके साथ आपके बॉडी के कार्टिलेज हो, टेंडन्स हो, लिगामेंट्स हो, बॉडी का पूरा जो सेल्स हो वो नया नरिश्ड सेल्स तैयार हो, ये सब चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे अभी फूड क्या खाने है? कभी भी आप देख लेना दोस्तों कि इसके पीछे फूड है, आप देखेंगे तो ज्यादा कैलोरीज वाले फूड आप कंज्यूम कर सकते हैं, और उसमें नॉनवेज सोर्स भी है, वेज सोर्स भी है, लेकिन मेरा तो कोशिश रहेगा कि आप वेज सोर्स से ही अच्छा खासा आप वेट बढ़ा सकते हैं। नॉनवेज सोर्स से अगर आप वेट बढ़ा लेंगे तो उसका जो फैट का जो परसेंटेज है उसमें ज्यादा होगा, और वो आपके पेट में निकलेगा, चर्बी निकलेगी, तो ऐसा होगा। तो हमें वैसे वेट बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है कि आपके मसल्स बिल्ड हो और आप स्ट्रांग दिखे, आप सुंदर दिखे और आप एकदम फिट दिखे। तो ऐसे केस के लिए हमें जो है कि ये सप्लीमेंट एक योग्य मात्रा में सप्लीमेंट लेना है। तो दोस्तों, खाने में सिंपल आप देखेंगे, फ्रूट्स देखेंगे, फ्रूट का जूस देखेंगे, उसमें नट्स रहेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स भी आप खाएंगे तो चलेगा। आपका हाइड्रेशन बॉडी का होने नहीं देना है, अगर आपका हाइड्रेशन हो गया तो बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है और वेट कम हो जाता है। आपके अगर बॉडी में देखा जाए तो 70-75% मैं तो बोल रहा हूँ 80% पानी ही है, तो आपको पानी, अच्छा मिनरल वाला पानी पीना जरूरी है। ठीक है, वेट बढ़ाने के लिए वेस्टीज का कौन सा सप्लीमेंट आपको लेना जरूरी है? तो मैंने जैसे आपको पहले बोला कि इसमें दो फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें है आपका सेल्स बढ़ना और दूसरा है आपका कैलोरीज बढ़ना। तो कहीं कहीं पेशेंट ऐसा मेडिकेशन लेते हैं वेट बढ़ने के लिए जो कि एक सेल है उसको ऐसे बढ़ा कर लेती है, उसका आकार बढ़ा लेती है। जब तक ये मेडिकेशन वो खा लेता है तब तक आकार बना हुआ रहता है, और वो मेडिकेशन जैसे भी 2-3 महीना खत्म हो गया तो आकार फिर से नॉर्मल और वेट कम हो जाता है। तो ये सब डेंजर रहता है, ऐसा कभी नहीं खाना। ऐसा सेल्स डैमेज होने का चांसेस है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ये सब नहीं करना है। आपका एक सेल से दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसा डिविजनल सेल्स हो, मल्टीप्लीकेशन हो, और वो सेल्स नेचुरल तरीके से आप जो खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, आपका डाइट है उसके हिसाब से वो नरिश हो और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो के आपका मसल्स बने, आपका टेंडन्स बने, आपका लिगामेंट्स बन के आपका वजन बढ़े। तो मेरा कोशिश नेचुरल तरीके से आपका वजन बढ़ाने का है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सप्लीमेंट में अगर देखा जाए तो पहले मैंने जैसे बोला कि सेल्स जनरेशन प्रॉपर्टीज हमारे सप्लीमेंट में कौन सा है, तो ये प्रोडक्ट है नोनी। वेस्टीज का नोनी बहुत ही शानदार है क्योंकि उसको बोला जाता है मोरिंडा सिंड्रोफोलिया, और नाम से ही आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा और मिनरल्स भी मिलेगा। तो इसलिए इसमें एक खास जो प्रॉपर्टी है वो है सेल जनरेशन प्रॉपर्टीज, और उससे उसके चलते नंबर ऑफ सेल्स काउंट ये हो जाएगा। तो खाना खाने से पहले कभी भी सुबह शाम आप 3-3 कैप्सूल खा लेंगे, 4-4 कैप्सूल खा लेंगे खाना खाने से पहले 40 या 50 मिनट, तो क्या कर लेगा, सेल जनरेशन प्रॉपर्टीज होने के चलते वो नया सेल्स तैयार करेगा। उसके बाद जैसे भी वो सेल्स को ओपन रख देता है, ठीक है, तो ओपन रखने के बाद क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है नया सेल्स को तैयार करना और जो पुराने सेल्स है उनका मुख ओपन करना, उसका उनका जो माउथ है वो ओपन कर लेना। जैसे भी वो ओपन सेल रहेगा उसके बाद ये प्रोसेस 50 मिनट में हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे भी आप खाना खाएंगे या नाश्ता करेंगे उसके बाद आपको स्पिरुलिना लेना है और सी बक्टॉन लेना है। स्पिरुलिना सी बक्टॉन दोनों को लिखाएंगे तो वेट बढ़ने में मदद हो जाती है। अब ये स्पिरुलिना क्यों लेना है, क्योंकि स्पिरुलिना में है, ये स्पिरुलिना समुद्र के नीचे तल में मिल जाता है, और ये स्पिरुलिना खाके कछुआ 400 साल जीता है, तो हमें भी ये स्पिरुलिना खाना चाहिए क्योंकि इसमें है 46 तत्व। आपके बॉडी को अगर पूरा नरिशमेंट चाहिए तो 47 तत्वों की जरूरत रहती है, लेकिन सिर्फ एक स्पिरुलिना ऐसा है कि जिसमें 46 तत्व मिल जाते हैं, क्योंकि डेली हम ना गाजर खा पाते हैं, ना पूरा पंचभोग खा पाते हैं, ना
उसमें आपका गोभी रहेगा, उनका अपना फ्लावर रहेगा, आपका टोमेटो रहेगा, कभी कभी कहीं ना चीजें मिस हो जाती है। कभी कभी हम पांच पांच सब्जी नहीं बना सकते डेली, आज के डेट में एक ही सब्जी रहती है, तो इससे आपका नरिशमेंट पूरा 46 तत्व नहीं मिल जाते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो 46 तत्व है वो सिर्फ एक स्पिरुलिना में है। स्पिरुलिना का अगर आप देखेंगे तो स्पिरुलिना को बोला जाता है कंप्लीट फूड, पूर्ण अन्न बोला जाता है। तो आपको ये पूरा करेगा आपकी जो है, क्योंकि उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, बायोफ्लेवोनाइड्स है। लेकिन इसमें जो एक फैक्टर है जो कि स्पिरुलिना में आपको नहीं मिलता, उसका नाम है विटामिन सी। उसके लिए आपको अपना सी भक्तान देना है। अभी सी भक्तान, विटामिन सी तो आमला में भी है और सी भक्तान में भी है। आमला से 100 गुना ज्यादा सी भक्तान में रहता है, लेकिन सी भक्तान में क्यों देना है? क्योंकि सी भक्तान में है आमला, विटामिन सी के साथ सी भक्तान में है 190 बायो एक्टिव एलिमेंट। इसके चलते बॉडी मेटाबोलाइज रहेगी, बॉडी का मसल्स बिल्ड होने में मदद हो जाएगी। अगर आप जिम कर रहे तो बहुत ही 10 गुना अच्छा है कि आपका मसल्स भी बिल्ड हो जाए। तो स्पिरुलिना भी देना है, और क्योंकि नोनी से आपका पेशी बढ़ गया, सेल्स बढ़ गया, और स्पिरुलिना सी भक्तान से वो नरिश होना चालू हो गया, ठीक है। और इसके साथ सी भक्तान में है ओमेगा 3 है, 6 है और 7 भी है, तो विटामिन्स भी है, तो इससे बहुत भरपूर मात्रा में नरिशमेंट होगी। तो ये तो हो गया, लेकिन वो सेल्स जैसे भी नरिश होगी, बड़ी होगी, तो उसके बाद आप उसको क्या करेगा, वो तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो ये ऑक्सीजन डिमांड उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए आपके पास हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए आपको आयरन फॉलिक उसमें ऐड करना पड़ेगा, और आयरन फॉलिक से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो वो सेल्स बहुत ही तंदुरुस्त होगी, बहुत ही मजबूत होगी। ये दोस्तों पूरा बेसिक में बता रहा हूं और पूरा सोच समझ के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये फॉलो करके देखना, आपका महीने का 5 से 7 किलो 8 किलो भी बढ़ेगा बहुत ही नेचुरल तरीके से, कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा प्रूवन है। इसके बाद जैसे सेल्स बढ़ गए, आपका वजन बढ़ना चालू हो गया, तो आपके मसल स्ट्रांग होने लगे। तो मसल्स तो स्ट्रांग है, लेकिन अगर बोन्स कमजोर रहेगा तो भी दिक्कत है। तो बोन्स की मिनरल डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए, तो इसलिए आपको कैल्शियम देना पड़ेगा इसके साथ। तो वेस्टिज का शानदार कैल्शियम है, बहुत ही बढ़िया, दिन में एक बार भी गोली ले लेंगे या दो बार ले लेंगे सुबह शाम तो भी चलेगा, लेकिन मेरा सजेशन है अगर आप 50 के नीचे है, 50 के अंदर है, तो आप दिन में एक बार सुबह खाना खाने के बाद एक एक गोली ले लेना, एक लेना वो भी चलेगा, सफिशियंट है। ये हो गया। तो ये कैल्शियम देने के बाद आपको, अगर पेशेंट का बजट है, तो इसमें आप CMD कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप ऐड कर सकते हैं, विच आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फॉर वेट गेन, ठीक है। तो ये भी आप दे सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रोटीन। अभी सेल्स बढ़ गया, उसको नरिशमेंट भी मिला, उसको हीमोग्लोबिन भी मिल रहा है, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रहा है, उसके साथ जो सपोर्टिंग के लिए कैल्शियम भी मिला, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट खाना जो रहता है सेल्स का, उसको बोला जाता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन से ही ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में सेल बन जाते हैं। तो प्रोटीन के लिए नोनी से तो आपको प्रोटीन मिलेगा, स्पिरुलिना से मिलेगा, सी भक्तान से भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो अपने पास है अपना प्रोटीन पाउडर, वो आप दे सकते हैं। वो प्रोटीन का देना, छोटा बच्चा है तो इनविगो दे देना, बहुत ही शानदार रिजल्ट काम करेगा। ज्यादा ही एज वाला पेशेंट है तो विटामिन डी आप इसमें जरूर ऐड करना। तो दोस्तों ये रहा बेसिक साइंस, अगर आप लेडीज है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप जेंट्स है तो भी आप इसको फॉलो करना, अगर आप गर्ल है, अगर आप बॉय है, कॉलेज स्टूडेंट है, आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सिविल सर्विस के एग्जाम कर रहे हैं, आपको वजन बढ़ाना है, तो ये आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको दे देगा। तो दोस्तों ऐसी शानदार वीडियो में मिलते रहेंगे। तो अगर आप टोटल एज यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपके टीम में शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।